बस भाभी जी, अब आप इस गाड़ी में बैठकर इसका उद्धार कीजिए और हम आज से आपको इस गाड़ी में बैठाकर हर रोज ग्रूमिंग क्लासेस में लेके जाएंगे। भाभी जी, आज रात को आप रेडी रहिएगा, मैं आपको गाड़ी सिखाऊंगा। ठीक बा, ठीक बा। जो मोहल्ला के लोग सोचो काका फेंकते हैं कचरे के डब्बा में। रात को 1 बजे करीबन 1 ही बजे होंगे, मैं अपनी खिड़की पर आई थी और मैंने देखा कि ये जो गाड़ी है ना तिवारी जी की, ये स्पीड में उस डायरेक्शन में जा रही है। सब समझ गई, सारो सारो कांड जो चिरांद को है। ये तिवारी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, डंडो मार मार के हवालात में सड़ाएंगे सबसे। भाभी जी थोड़ी देर बाद निकलेंगी, तब तक गाड़ी को एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। अबे यार, इस वक्त कौन आ मरा? ठीक ना करवाइयो कमो। क्या हो गया अप्पू सिंह जी, ये कहाँ से लूटे पिटे चले आ रहे हैं? ऐसो है महाराज, हमारी ये हालत जो तुम देख रहे हो ना, जाके जिम्मेदार तुम हो। हम हैं? हमने आपके साथ ऐसी क्या हरकत कर दी? तुमने हरकत का कर दी? अरे तुमने शराब पी के गाड़ी हमें ठोक दी। क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमने ठोक दी? अरे हम तो रात 11 बजे घोड़े बेचकर सो गए थे। अच्छा, तो फिर गाड़ी वो तुम आओ ससुर भूत चला रहा हो तू का? देख, अरे भाभी जी, अरे देखिए ना भाभी जी, ये हप्पू सिंह जी खाम खा हमारे गले पड़ रहे हैं, देखिए। अरे गोरी मैम से का पूछ रहे, जब सारी हिंट उन्हीं ने दई है कि तुमने हमें गाड़ी से ठोक दो है। भाभी जी आपने? अरे तिवारी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन करीबन 1 बजे जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो इत्तेफाकन मैं अपनी खिड़की पे खड़ी थी और मैंने देखा कि आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड से आगे भागते हुए गई। सुन ली गोरी मैम झूठ बोलेंगी का? अरे लेकिन हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं। तिवारी जी बड़ी गलत बात, आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, ये कानूनन जुर्म है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? लड्डू के भैया, क्या हो रहा है? हथियार टूटे हुए दरोगाजी काहे आए हैं? भाभी जी आप अंदर जाइए, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अच्छा, छोटी बात है? तुम यार आदमी हो, पजामा हो? ससुर हमारा इतना बड़ो एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें क्या इतनी सी बात लग रही है? अनिता जी क्या कह रहे हैं हमको बताइए। एक्चुअली अंगूरी जी, बात यह है कि दरोगा जी का कहना यह है कि तिवारी जी ने उनका एक्सीडेंट किया। कब? कल रात। अंगूरी भाभी बात ऐसी है कि कल हमें मोहल्लों में पता चलो एक बदमाश छुप गया हुआ है, तो बाको पकड़ बे के लाने हम वो कचरा के डब्बा में छुप के बैठ गई। ओके बाद जे जी आपके महान पति परमेश्वर गाड़ी चलात भाई आए शराब पी के और बस ड्रम में ठोंक दी गाड़ी। तो कचरे के डब्बे में आप थे दरोगा जी? एक मिनट अंगूरी, क्या 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 कहना चाह रही हो तुम? क्या कहना चाह रही हो? आ,
अब एक्चुअली वो कहना चाह रही हैं कि जब रात को गाड़ी ठुकी ना इनकी वो कचरे के डब्बे से, तो उनके बेडरूम तक आवाज आई. वो गाड़ी के जो इम्पैक्ट पड़ा ना, तो आवाज डब्बे तक. अगरबत्ती जी काहे झूठ बोल रहे हैं? फिर वो एक मिनट, अंगूरी जी आप साफ साफ बताइए आखिर बात है क्या. वो अनीता जी दरोगा जी को लड्डू के भैया ने ना ही हमने ठोका है. आपको मतलब जो है भाभी अंगूरी कि कल रात में आपने हमें ठोक दो. ये क्या हरकत है अंगूरी, इतनी रात को तुम अकेली गाड़ी लेकर निकल गई है? हम अकेले ना ही गए थे, भरभूति जी हमारे साथ थे. विभु, एक्चुअली भाभी जी गाड़ी चलाना सीखना चाह रही थी, तो मैंने कहा मैं सिखा दूंगा. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब जो भैया विभूति साथ. आप चुप रहिए दरोगा जी, एक मिनट रुक जाइए ना, मैं बात कर रही हूँ. विभु, तुम रात को 1 बजे अंगूरी जी को ड्राइविंग सिखा रहे थे. एक्चुअली रात को 1 बजे ट्रैफिक नहीं होता ना, तो आप जैसे ना. देख लो भाभी अंगूरी, आप देख लो सब जो हो रहा है. एक मिनट. अरे चुप. तुम कौन सी फार्मूला 1 रेस में हिस्सा लेने जा रही थी जो इतनी रात को तुम्हें ड्राइविंग करने की हुड़क मची? उस सवेरे आप ना ही बोले, इसीलिए रात को भरभूती जी के साथ चले गए. देख रही गोरी में, मैं आपके सामने पूरी बात. आप चुप रहेंगे एक मिनट. गोरी में वो तो एक सीधी सादी औरत है. हाँ, तुम तो अपने आप को बहुत मैच्योर आदमी समझते हो. लेकिन गोरी मैम, तुम हम आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? हाँ गोरी मैम, शट अप. विभु, तुम्हें तो मैं देख लूंगी. तुम ड्राइविंग सिखा रहे थे ना रात में, मैं बताती हूँ तुम्हें ड्राइविंग सीखना क्या होता है. अरे गोरी मैम, हमारी तो सुन लो. अरे हम तो पागल है. अरे यार, अरे हमारे साथ केस होगा जो. अरे सुनो हम. अरे तिवारी जी, अंगूरी जी तुम्हारी वजह से फंस गई. हाँ, तुम्हारी वजह से फंस गई. लेकिन वो तो खुद ही अपने आप है. मैंने चुप रहो तुम. मैं सोच रही हूँ कि तुम रात में, तुम्हारी तबीयत खराब होगी. तुम कहाँ हो? तुम ड्राइविंग सिखा रहे थे. मैं सिखाती हूँ तुम्हें ड्राइविंग कैसे सिखाई जाती है. हमारी बात तो सुन लो यार. अरे दादा हमारी शट अप. आप क्यों आ रहे पीछे पीछे? मैं उनसे बात कर रही हूँ ना. चली जाए यहाँ से. अरे हमारी बात. अरे तो ऐसो है गोरी मैम, जब वक्त तो हम भैया विभूति और अंगूरी भाभी दोनों को लेके जा रहे हैं. अरे आप अंगूरी जी को क्यों अरेस्ट करेंगे? हैं? हमने दरोगा जी को ठोका है ना. नहीं अंगूरी जी, आपने दरोगा जी को नहीं ठोका है, आपने कचरे के डब्बे को ठोका है. आपको क्या पता कि कचरे के डब्बे में हप्पू सिंह जी घुसकर बैठे हैं? भाभी जी बहुत सही कह रही हैं. इसमें अंगूरी का क्या कसूर है? अंगूरी को क्या पता कि वो कचरे के डब्बे में आप विराजमान थे? तुम अपनो मुंह बंद कर लो. कचरा के डब्बे के अंदर हम बैठ के कबड्डी खेल रही थी. तुमसे मतलब? तुम पहले ससुर जो बताओ कि इनके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है? है? Actually, I don't know. नहीं ना, तो फिर चुप रहो. बिना कुछ जाने
टीचर बन गए आप। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ लड्डू के भैया, हमको जाने दीजिए, हमको बहुत उल्टी फील हो रहा है। भाभी जी, इट्स गिल्टी। अरे दादा, सही पकड़े हैं। I'm sorry. अरे दरोगा जी, अरे कितना फोन लगाया, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे तुमसे गुप्ता जी हमने कही थी कि पुलिस चौकी में आके हम मिल लेंगे, तुम इसे काहे चले आए यार? अरे पिछले 3 महीने से हम पुलिस स्टेशन में ही चक्कर तो काट रहे हैं। आपने मेरी गाड़ी ढूंढी, कब मिलेगी बोले? ये किस कार की बात कर रहे हैं आप? अरे मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, इनको बताया तो बोला मिल जाएंगी, अभी तक मिली नहीं, अब कब मिलेंगी बताइए। अरे दम यार। अरे अरे ये तो मेरी गाड़ी है। अरे लेकिन ये गाड़ी तो हप्पू सिंह जी ने हमें दिलवाई है अपने एक दोस्त के यहाँ से। क्या इसका मतलब इन्होंने चोरी की गाड़ी हमको बेचा है? Yes. Exactly, अंगूरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरोगा जी, अब जेल कौन जाएगा? ये जाएंगे हप्पू सिंह जी, और कौन जाएगा? अंगूरी भाभी, हम जो कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीखते वक्त ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से। अब आराम से चलाइयो, ठीक है? गुप्ता जी, तो तुम्हारी गाड़ी हमने ढूंढ दी है, भिजवाते हैं हम। और भैया तिवारी, तुम्हारे पैसे हम लौटा रहे हैं, लौंडा भेज रहे हैं अब एक। तो बाको गाड़ी की चाबी दे दियो, है पैसे मिल जाएंगे। चलो गुप्ता जी। गोरी मैम चल रही फिर अब। नहीं यार, बहुत बड़ी चिरांद तुम पकड़ो। हाँ अरे दादा चल। क्यों तिवारी जी, चोरी का माल खरीद कर आए हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, बाय गॉड। शर्म किसे आनी चाहिए, मैं बताती हूँ। आओ तुम्हें ड्राइविंग सिखाती हूँ। हमरा पति हमरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, हमरा पति हमरा देवता है। हेलो भाभी जी। कैसे हैं भरवती जी? बस भाभी जी, जी रहे हैं किसी का हसीन चेहरा देख के। क्या बोले भाभी जी? मैंने कभी आपको आइसक्रीम खाते नहीं देखा, आप आइसक्रीम खाती हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं भरवती जी, हमको आइसक्रीम बहुत पसंद है। अच्छा, वो कोन वाली खाती है क्या आप, कोन वाली आइसक्रीम? अरे हम सब सारे आइसक्रीम खाते हैं। हाँ। और बड़ा कोइंसिडेंस बाबू जी, बड़ा कोइंसिडेंस। मैं मार्केट से आ रहा था तो एक आइसक्रीम वाले ने आवाज लगाई, बाबू जी आइसक्रीम ले लीजिए। पर उससे आइसक्रीम ले ली, जैसे मैंने आइसक्रीम देखी ना, मुझे लगा कि बस मैं आपको खाता हुआ देखूंगा आइसक्रीम, ना एक मुझे ऐसी फील सी आई। तो भाभी जी, ये मैंने आपके लिए कोन लिया है। अब भरभूति जी, सारी हम ये आइसक्रीम ना ही खा सकते हैं, वो कहा है ना, आज हमारा करवा चौथ का व्रत है और लड्डू के भैया की लंबी उम्र के लिए रखे हैं हम। कम ऑन भाभी जी, किसके लिए व्रत रख रही हैं आप? वो चमर की आदमी है, उसकी उम्र के तो गिद्दी मर गए हैं। भाभी जी बहुत सख्त जान है, अभी कुछ नहीं होने वाला उनको, डोंट वरी। अब भरभूति जी काहे ऐसे बात कर रहे हैं आप? अगर लड्डू के भैया के बारे में ऐसे बात कर रहे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। सॉरी भाभी जी, आई एम रियली रियली सॉरी, राइट? मैं तो सिर्फ आपका वो टेस्ट दे रहा था कि आप अपने लड्डू के भैया से कितना प्यार करती हैं, एंड आप एक्चुअली बहुत प्यार करती हैं, दो ही डजंट डिजर्व इट, बट आप करती तो हैं। थैंक यू। आप भरभूति जी एक बात पूछेगा? पूछ ही डाली भाभी जी। आप भरभूति जी, अनीता जी आपके लिए व्रत ना ही रखती हैं? भाभी जी, हम गरीब के लिए कोई क्यों भूखा रहेगा। अंगूरी जी। अरे अंगूरी जी, आज करवा चौथ है, अम्मा जी ने आपके लिए सरगी जरूर भेजी होगी। हाँ भेजी है ना अम्मा जी तो। अका अनीता जी, भरभूति जी बता रहे थे कि आप उनके लिए करवा चौथ का व्रत ना ही रखती हैं।
रियली विभु, हर साल मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का उपवास नहीं रखती हूँ? पिछले 7 सालों से भूखी प्यासी मैं करवा चौथ के दिन तुम्हारे लिए उपवास नहीं रखती हूँ? ऑफ कोर्स रखती हूँ बेबी, मैं तो तेरी पीठ पीछे यही बातें करते हो ना? एक्चुअली बेबी मैं तो सिर्फ भाभी जी को, मतलब भाभी जी को इसलिए बोल रहा था कि वो तुम्हें बताएं और तुम चिड़ो, फिर जब तुम चिड़ती हो तो बड़ी हसीन लगती हो, यू नो बेबी, कम ऑन लेट्स फूल अराउंड, टुडे इज अ डे। खैर छोड़िए अंगूरी जी, इन पतियों की बस की बात नहीं है, हम पत्नियां ही रह सकती हैं भूखी प्यासी? ये पति हमारे लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं? कभी नहीं। सही पकड़े हैं। अरे बिल्कुल गलत पकड़े हैं। कैसी बातें कर रही हो अंगूरी, हर साल हम तुम्हारे साथ करवा चौथ का व्रत नहीं रखते क्या? अरे यार जल्दी खत्म करो बातें, पिघल जाएगी यार। अका हुआ आपको, आग काहे मार रहे हैं? और आप तो चुपके चुपके जाकर खा लेते हैं सब कुछ। अरे अंगूरी जी, सारे पतियों का एक ही हाल है, ये विभू कोई कम है क्या? भाई देखिए, हम पत्नियां हमेशा से अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, बस। ये सही बात कह रहे हैं आप अनीता जी। भाभी जी, लड्डू के भैया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए, आई मीन अनु के लिए मैं ये व्रत रखूंगा। अरे तो हम कौन से भभूति जी से कम है, हम भी भाभी जी के लिए, मतलब अंगूरी के लिए व्रत रखेंगे, अन्न जल को छुएंगे तक नहीं जब तक कि चांद नहीं निकल जाता, और मैं भी पानी और खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। What's wrong with you? ऐसे हिल क्यों रहे हो तुम? Generally यार, today is a happy day. I'm happy. My body is happy. Oh, ice cream कहाँ गया? आप लाए थे वो? Maybe let's go. I said let's go. लड्डू के भैया, का आप हमारे लिए सचमुच व्रत रखेंगे? अरे तुमसे प्यार करते हैं पगली, काहे नहीं रखेंगे? व्रत रखेंगे लड्डू के भैया। कुछ ज्यादा ही बोल गए, आदत तो है नहीं। ये कौन लीक कर गया बे? सूरत तुम्हारी। अका बोले? मैंने कहा भाभी जी चांद देख रहा हूँ। हदिया, कहाँ है चांद? मेरे सामने है चांद। आई, ये तो गोभी का फूल है, चांद अभी तक ना ही निकला। तुम कहते हो चांद नहीं निकला, नहीं निकला करवा चौथ नहीं, चांद अपनी आंख से देखा है, कानपुर में कोई कहता है। दुनिया वालों आखिर क्यों चांद फलक पे ढूंढते हो? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। भरभूति जी, आप कहाँ बात करते हैं, हमको कुछ समझ में ना ही आता है। अभी हमको बहुत काम है, हमको लड्डू के भैया के साथ बाहर भी जाना है। भाभी जी आज तो आपका फास्ट आई मीन व्रत है, आज भी आप काम कर रही हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। काम तो रोज का ही होता है ना, हमको पोछा लगाना है, कपड़ा धोना है, अब बहुत काम है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं अभी ऊपर कपड़ा धोने के लिए, फिर बाद में पोछा लगाएंगे। हाँ भाभी जी व्रत रख के काम करेंगी, ऐसा मैं होना दूंगा नहीं, मैं भाभी जी की मदद करूंगा। आई विल हेल्प आउट। हेलो मीनल, सुन ना, तेरे पास कोई मेहंदी वाली का नंबर है क्या? यार मेरी मेहंदी वाली तो खुद ही अपने हाथों में मेहंदी लगा के बैठी हुई है। क्या तेरी मेहंदी वाली भी बाहर गई है? ओफो, अब इस करवा चौथ पे मेरे हाथों में मेहंदी कौन लगाएगा? अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तिवारी जी आ गए। हाँ चल चल बाय। हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? बस तिवारी जी आप सुनाइए, भूख तो नहीं लग रही? अरे नहीं भाभी जी, काहे की भूख, ये संयम है, हमारे अंदर की शक्ति है, ऐसे तो कितने दिन भूखे रह सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, अंगूरी जी बड़ी लकी है। हाँ
खैर भाभी जी, पता है जब हम स्कूल में थे ना तो हम ड्राइंग बहुत बढ़िया किया करते थे। अच्छा जी, अरे वाह, लड्डू की ड्राइंग हम ही तो बनाते हैं, तभी तो लड्डू को इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्कूल में। वेरी बैड जी, वेरी बैड। इसका मतलब आप उसकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप तो बात को कहां से कहां लेकर चली गई। हमारा मतलब है हम लड्डू को सिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं बोला था, आपने कहा था कि आप लड्डू की ड्राइंग बनाते हैं इसीलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सॉरी भाभी जी, गलती हो गई। आगे से हम खुद नहीं बनाएंगे बल्कि उसे सिखाएंगे। अब आप खुश हैं? बेटर, थैंक यू। और पता है भाभी जी, अंगूरी और क्या कहती है? क्या कहती है अंगूरी हमारे बारे में? कहती है कि हम मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हैं। वो कहती है हमारे बारे में अक्सर। रियली? हम मेहंदी लगाना जानते हैं जी। अरे तिवारी जी, तो फिर देरी किस बात की है? इस बार करवा चौथ पर कोई भी नहीं है मेरे हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, और मुझे हाथों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। आप लगा दीजिए ना मेरे हाथों में मेहंदी। हम लगा दें भाभी जी? बिल्कुल तिवारी जी, आप लगा दीजिए। काहे मेहंदी? अरे ये रही ना, ये लीजिए। तो